देखिए, हम लोगों ने प्रिजन के मॉडर्नाइजेशन और सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए 12 ड्रोन कैमरे 12 प्रिजन में लगाए हैं। इसके कई फायदे हैं। दूसरी बात है कि हमारा कम मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। हमारे को एक बर्ड वाई व्यू मिलेगा, हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स रहेंगी और इसका सैल्यूटरी इफेक्ट भी प्रिजनर्स पर रहेगा कि हमारे ऊपर कुछ डिफरेंट तरह से वॉच है। तो इन सब का हमको निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। एक अच्छा स्टेप कहा जाएगा सर इसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सोचती इसके पीछे? यही सोचती कि मतलब कम से कम मैन पावर करते हुए अनडिस्प्यूटेड हमारे पास चीज़ें रहेंगी। कई बार होता है ह्यूमन रहते हैं तो ह्यूमन एरर आने की चांसेस रहती है, तो जो ह्यूमन एलिमेंट को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा एक तरह से, कि जो आदमी काम कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। इसमें ड्रोन और CCTV एक महत्व की भूमिका निभाएंगे। किस तरह मदद करेगा ये सिस्टम? मतलब एक बर्ड व्यू, आपने जो कहा बर्ड व्यू मिलेगा, तो किस तरह मदद करेगा? बर्ड व्यू मिलेगा, कोई नीचे करते हुए आदमी को भी मालूम चलेगा कि ऊपर से ड्रोन बीच बीच में आके मॉनिटर करते हैं, तो एक मतलब वो एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन रहेगा। और कभी डिस्प्यूट केसेस में इसके कैमरा हमने काफ़ी अच्छे लिए हैं, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, तो वो सब देखने में काम आएगी। क्या रेल विभाग कुछ और सोच रहा है मॉडर्नाइजेशन की जब बात करते हैं हम, तो सिक्योरिटी की भी जहाँ तक बात है, इस साल हम CCTV भी लगाने वाले हैं। सारे करीब 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सारे प्रिजन्स पे हम एक वाइड कवरेज करके सारे एंगल से CCTV से कवर करने वाले हैं।